Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. CS304 Object Oriented Programming GDB Solution. तो इसके लिए हम लोग जो सिनेरियो है कि कैलकुलेटर बनाना है एक मैथ का, लेकिन इसमें कुछ पिन पॉइंट्स हैं इनको गौर से देखना चाहिए. डील विद एट लीस्ट 11 डिजिट्स नंबर, एट लीस्ट कम से कम 11, तो 12 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 10 नहीं हो सकते तो बड़ा नंबर होगा, और उसके बाद उससे ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं. तो नंबर चेंज होते रहेंगे, ये एक पॉइंट है. उसके बाद डेटा टाइप की बात हो रही है. नंबर कैन बी विद डेसिमल पॉइंट और विदाउट डेसिमल पॉइंट, मतलब इंटीजर और फ्लोट होंगे. कंपनी वांट यू टू डू एफिशिएंट कोड. एफिशिएंट कोड किस तरह हो सकता है, उसकी क्या है, कम्प्लेक्सिटी कम से कम हो, तो ये भी यहाँ पे बात हो रही है कि आपने कम्प्लेक्सिटी को देखना है, और उसके बाद आपने देखना है कम्प्लेक्सिटी एंड एफिशिएंसी को, दोनों चीज़ों को सामने रखना है. फंक्शन ओवरलोडिंग क्या चीज़ है, और क्लास टेम्पलेट जो है उनको, दोनों को माइंड में रखना है, दोनों में से कौन सा बेहतर है. क्लास टेम्पलेट भी होते हैं, फंक्शन भी होते हैं, टेम्पलेट्स भी होते हैं. फंक्शन ओवरलोडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक है. तो आजकल टेम्पलेट क्यों नहीं यूज़ होते, मेन कंसर्न तो ये है कि हम लोग हमेशा बात करते हैं, या कोडिंग के अंदर ओवरलोडिंग की ज़्यादा बात होती है. टेम्पलेट्स आर यूज़ लीस्ट, तो देयर इज़ अ इशू बिटवीन टेम्पलेट्स के टेम्पलेट क्यों कम यूज़ होना शुरू हो गए, तो कोई ना कोई तो गड़बड़ होगी ना. तो चलते हैं इसके आंसर्स के ऊपर कि हम इसको कैसे देखेंगे, कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. तो नेक्स्ट आप लोग चलते हैं, लेकिन आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि 125 सब्सक्राइबर रह गए हैं, तो ये एक किस्म की रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे वो प्लीज़ 125 लोग अगर कर दें, क्योंकि कम से कम 2-3 हज़ार व्यू आना है. 2-3 हज़ार में 200-400 लोग तो बिल्कुल यूनिक होंगे, और पुराने वाले जो रिटर्निंग यूज़र्स हैं वो भी होंगे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. तो प्लीज़ अपनी एफर्ट, 25-30-40 लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो उनका कुछ नहीं जाता, मेरा फ़ायदा हो जाएगा, मेरे 10K पूरे हो जाएंगे, और एक चैनल रिप्यूटेड पोजीशन पर चला जाएगा. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ. तो अब हम चलते हैं एक ख़ास जो वेबसाइट है उसके ऊपर, चिग के ऊपर. चिग की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने यही सेम GDB फेंका, और GDB का आंसर एक एक्सपर्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जिनकी कंप्यूटर साइंस के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस है, उन लोगों ने बनाया. माय पर्सनल प्रेफरेंस फॉर डेवलपिंग अ कैलकुलेटर विल डेवलप यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग बिकॉज आई बिलीव दैट टेम्पलेट आर यूजफुल व्हेन देयर वर नॉट अवेयर ऑफ द डाटा टाइप ऑफ द डाटा बट इन द केस ऑफ कैलकुलेटर. तो डाटा टाइप इसमें उसने बता दी है, अगर डाटा टाइप ना बताई होती तो फिर टेम्पलेट ज़्यादा सूटेबल था. अब उन्होंने डाटा टाइप डिफाइन कर दी है तो फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ अ सूटेबल आंसर. तो ये तो इतना है. मैंने कोशिश की इसका फुल आंसर लेने के लिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास प्रीमियम अकाउंट नहीं है, लेकिन मेरा आइडिया क्लियर हो गया कि फंक्शन ओवरलोडिंग ही मोस्ट प्रेफरेबल है. अब मैं आपको इसके एक और बहुत ही बड़े जो है वो टेम्पलेट के अगेंस्ट जो है, वाई आर टेम्पलेट आर इन C++ कंसिडर पुअर डिज़ाइन. तो इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ तो मैंने जैसे आपको बताया है कि टेम्पलेट जो है वो कन्फ्यूज कर देते हैं, इसके रूल मुश्किल हैं, इसकी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, ये इतने अच्छे नहीं हैं. दे कैन लीड टू लॉन्ग कंपाइलेशन टाइम, जिसकी वजह से एफिशिएंसी लूज़ हो जाएगी, और इनका सिंटैक्स मुश्किल है. दे तो कंपाइलेशन टाइम एक आप यहाँ से ले सकते हैं कि कंपाइलेशन टाइम जो है वो टेम्पलेट का ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम फंक्शन ओवरलोडिंग को यूज़ करेंगे, उसका इसके मुकाबले में कम है. उसके बाद ये देखें, फिर अगेन कंपाइलेशन टाइम की बात हो रही है. फॉर एफिशिएंट कंपटीशन तो उसके लिए ये यूज़ नहीं होगा. तो आप लोग इसके ऊपर आ सकते हैं कुरा की वेबसाइट के ऊपर, और आके टेम्पलेट के अगेंस्ट जो उसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं उनको देख सकते हैं कि टेम्पलेट हम क्यों नहीं यूज़ करते. तो मैं इन सब का ना लिंक
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बारी बारी इनको ओपन करके चेक कर लीजिएगा जैसे जैसे मैंने सर्च किया। और इसी के बाद मैंने ये देखें कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैंने सर्च नहीं की। मैं पिछले 2-3 दिन से इसको सर्च कर रहा हूँ, रात मैंने बनाना था लेकिन अपनी असाइनमेंट बनाई, फिर नींद, फिर जॉब है मेरी गवर्नमेंट तो मुझे वहाँ जाना होता है, और फिर कुछ स्टूडेंट्स घर आते हैं उनको पढ़ाना होता है। तो अब थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हुआ, अभी भी एक स्टूडेंट का मैसेज बिटवीन आ गया तो, और डिनर भी बाकी है, तो सारी स्टोरीज़ के बाद ही मैं सारा कुछ कर रहा होता हूँ। तो अभी आपके पास, आपने 5 मिनट में सारा लिख लेना है, इसको इकट्ठा करके इंटीग्रेट करके आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा था C++ टेम्पलेट यूज़ फॉर नॉन डाटा टाइप, तो इसमें अगर डाटा टाइप नॉन होंगी तो तब हम उसको यूज़ करते हैं। अब हम एक और की तरफ जाते हैं, ये देखो 403 के लिए मैं कर रहा था, तो ये तो 504 खोला हुआ है जब इसको मैं पढ़ा रहा था, ये 403 अभी आ जाता है। और एक सेकंड, मैं आपको एक पॉइंट जो मुझे बहुत है, ये वेबसाइट है जो सबसे की पॉइंट इसके ऊपर है, जो अगर आप लोग अब सुन रहे हैं तो फंक्शन ओवरलोडिंग यूज़ करते हैं जब हमने सिमिलर ऑपरेशन करने हो। सिमिलर को आपने सर्च करना है। सिमिलर क्या होते हैं कि जो मिलते जुलते हों, जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ना हो लेकिन उसी जैसी फंक्शनैलिटी जैसे पहला फंक्शन है। तो सिमिलर फंक्शन हम लोगों ने, अगर सम का फंक्शन है वो सिमिलर टू मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसमें भी इसी तरह ही है सिवाय ऑपरेटर चेंज के, अगर हमने यूज़ करना है जैसे कि 2 पैरामीटर के साथ जमा किया फिर 3 के साथ जमा किया तो वो सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे टेम्पलेट उस वक्त यूज़ करते हैं जब आइडेंटिकल ऑपरेशंस हो। आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम। अब आप मुझे बता दें कि अगर मैं एक 2 पैरामीटर वाला बनाता हूँ फंक्शन और एक बनाता हूँ 3, तो क्या वो आइडेंटिकल हैं? मुझे सिर्फ इतना बता दें, आइडेंटिकल अगर वो हैं कि जी 2 आर्गुमेंट्स वाला हमने जमा किया तो वो भी 3 आर्गुमेंट वाला आइडेंटिकल है 2 के, तो अगर 2-3 के आइडेंटिकल है तो फिर तो मैं भाई जी फंक्शन टेम्पलेट के हक में हूँ। लेकिन क्योंकि वो आइडेंटिकल नहीं है, ओवरलोडिंग जो है वो सिमिलर के लिए यूज़ की जाती है, तो कैलकुलेटर में सिमिलर फंक्शन होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि व्हाई आई चूज़ फंक्शन ओवरलोडिंग, बिकॉज इन दिस सिनेरियो वी हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेशन, सो फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ मोर सुटेबल दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। इफ़ द फंक्शन आर आइडेंटिकल देन वी यूज़ टेम्पलेट्स। अब यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा साइंटिस्ट भी होते हैं तो वो कहेंगे जी फंक्शन टेम्पलेट की बात हो रही है, वहाँ क्लास टेम्पलेट का पूछा हुआ है, तो आप क्लास टेम्पलेट को भी पढ़ लें। क्लास टेम्पलेट के अंदर भी फंक्शन ही बनते हैं, तो वो भी, उसको भी गो थ्रू किया है मैंने, क्लास टेम्पलेट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है। तो ओवरऑल जो क्लास टेम्पलेट और फंक्शन टेम्पलेट हैं वो आइडेंटिकल के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ओवरलोडिंग जो होती है वो यूज़ किए जाते हैं सिमिलर ऑपरेशन के लिए। और फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ अ एडवांस थिंग, वी मस्ट गो टू द ओवरलोडिंग साइड। ये फास्ट है, ये रीडेबल है, ये कम्प्लेक्सिटी इसमें कम है, कंपाइलेशन टाइम कम है, तो सो देर इज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग ओवर फंक्शन और क्लास टेम्पलेट। एक और चीज़ पॉइंट की बात, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो, फंक्शन ओवरलोडिंग कैन टेक वेरिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। वेरिंग का मतलब मुख्तलिफ, और यहाँ पे क्या है, टेक वेरिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, कैन नॉट टेक वेरिंग। अब उसने कहा 11 हो सकते हैं, 11 नंबर हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, तो वेरिंग कहाँ, वेरिंग वाली चीज़ कहाँ पर यूज़ होगी? अगर तो होता एग्जैक्टली 11 नंबर ही यूज़ होंगे तो फिर तो हम टेम्पलेट यूज़ करते। जब वेरिंग हो रही है, कोई चीज़ चेंज हो रही है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स फंक्शन के अंदर चेंज हो जाएंगे, 11 की जगह पे 12 वाला वैल्यू आ जाएगी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ मच बेटर टेक्निक व्हेन वैल्यूज आर वेरिंग। मतलब 11 डिजिट थे फिर 12 हो गए, तो 11 आर्गुमेंट थे फिर 12 हो गए, सो आप बात को समझ सकते हैं कि चेंजिंग होंगी तो ओवरलोडिंग, अगर
सेम रहती है चीज़, तो फिर फंक्शन टेम्पलेट। तो आप उस सिनेरियो में देखें, वहाँ उसने क्या कहा, एटलीस्ट 11, तो इसका मतलब 11 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो इट मीन वहाँ चेंजेस होने वाली हैं, 11 से 12 होंगे, 12 से 13, तो फिर वो टेम्पलेट के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये उसके एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, ये उसके डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं कि जी मैनी कंपाइलर डज नॉट सपोर्ट टेम्पलेट। सिरे तो ही पहली गल ये है कि टेम्पलेट हर कंपाइलर में यूज़ नहीं होता, तो फंक्शन ओवरलोडिंग हर जगह पर यूज़ होती है। व्हेन टेम्पलेट आर यूज ऑल कोड एक्सपोज, तो इसमें हिडन चीज़ नहीं रहती। सम कंपाइलर हैव पुअर सपोर्ट ऑफ टेम्पलेट, तो दिस इज अनदर बिग पॉइंट कि जी पुअर सपोर्ट होने की वजह से टेम्पलेट को हम यूज़ नहीं कर सकते। अप्रॉक्सीमेटली ऑल कंपाइलर प्रोड्यूस अनहेल्पफुल कन्फ्यूजिंग एरर मैसेज व्हेन वी यूज टेम्पलेट, जब एरर मैसेज आएंगे तो क्या हम कोडिंग कर सकेंगे या कोडिंग को इतना अच्छा कर सकें। इट कैन मेक अ चैलेंजिंग टू डिवेल्प द टेम्पलेट, इज नॉट ईजी टू डिवेल्प, इट इज़ कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर। सो कम्प्लेक्सिटी और एफिशेंसी के ऊपर सवालिया निशान है टेम्पलेट, दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग विद अ टेम्पलेट, सो आई एम गोइंग विद एडवांटेजेज ऑफ ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग की तरफ मैं जाऊँगा कि जी इसमें परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन, एलिमिनेट द यूज़ ऑफ डिफरेंट द नेम सम काइंड ऑपरेशन सेम रहेंगे, प्रोग्राम बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड। अब आप खुद ही बता दें क्या पूछा हुआ है, ईजी मेंटेनेबिलिटी ऑफ द कोड, फंक्शन ओवरलोडिंग ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्रोग्राम। सो एडवांटेजेस ऑफ ओवरलोडिंग के ऊपर ज़रा आंखें दो चार कीजिएगा तो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। मैंने इसके ऊपर भी काफ़ी सारी सर्च की थी कि मैं अगर कहूँ कि जी व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, तो आई गो बैक साइड ऑफ द फंक्शन ओवरलोडिंग कि जी अगर इसमें क्या बग हो सकते हैं, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो अगर मे बी फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर इतने बग हों, तो समटाइम लॉजिक और नेम एग्जैक्टली सेम, तो कोई किसी ने कोई ख़ास कहानी नहीं लिखी कि जी इसके अंदर कोई बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ मल्टी थ्रेडिंग फीचर्स, जब हम कोई बहुत ही एडवांस की तरफ चले जाते हैं फिर कोई सवालिया निशान आएंगे, अदरवाइज अगर टेम्पलेट के मुकाबले में देखा जाए तो फिर ये देखो एक साइट है फंक्शन ओवरलोडिंग यस और नो। तो मैं इसको भी मैंने सबको रीड आउट किया है, एब्सोल्युटली क्रिटिकल C++ टेम्पलेट कोड, यू विल नॉट यूज डिफरेंट नेम डिफरेंट टाइप, आई कॉन्ट राइट जेनेरिक कोड, तो जेनेरिक कोड बोलते हैं टेम्पलेट को। वी वुड एलिमिनेट अ लार्ज एंड हैवीली यूज पार्ट ऑफ C++ लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी का कोड होता है उसके अंदर जेनेरिक कोड होता है टेम्पलेट के अंदर, तो लाइब्रेरी हमें इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। सो अगर हमें कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत नहीं आती, और सबसे बड़ी बात कि टेम्पलेट यूज़ करते हैं स्टैक वेक्टर उन चीज़ों के लिए, जेनेरिक अरेज जिसमें यूज़ होती हों, तो इसमें ऐसा नहीं है। बहुत ही बड़ा सीन हो जाए तो हम यूज़ करते हैं टेम्पलेट, अदरवाइज टेम्पलेट आर स्पेसिफिकली फॉर द जेनेरिक टाइप्स। तो ये इन सब सवालों के जवाब मैंने इन सारी वेबसाइट से बहुत ज़्यादा गो थ्रू करके कोशिश की है कि मुझे कोई ऐसा पॉइंट ना मिले। होते तो ये सारे 50-50 वाले ही हैं, लेकिन मैं ये इन सारे सवालों से गुज़र के आया हूँ, इन सब को मैंने काफ़ी दिन रीड आउट किया है ताकि मुझे क्लियर हो, मैं आपको गलत ना बताऊँ और आपसे अच्छी फेवर ले सकूँ कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लास्ट डे है तो ये सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, ये माई greatlearning.com वेबसाइट पे वो उसका डिफरेंस लिखा हुआ है, उन दोनों पॉइंट्स को अच्छी तरह घुमा फिरा के लिखिएगा तो चल जाएगा। उसके बाद तो ये मैं इसके ऊपर ही एंड करता हूँ कि आप लोगों को होप्स हो कि समझ आ गई हो कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ अ बेटर चॉइस, इट हैव मोर एफिशिएंट कोड, मोर are less complexity as compared to templates. Templates are harder to code. Templates having compilation time, more compilation time. So we are not going to use templates for the calculator. Function overloading is the best option when we develop a calculator. And the reason are it is more flexible and we can change easily. We can compile easily.
सो आप इन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके अपने आंसर्स के अंदर लिख लीजिएगा. आई होप सो आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.